जय महाकाल दोस्तों, मैं प्रदीप फिर से आपका है हमारे इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो आज मैं आया हूँ लखनऊ के एक फॉरेस्ट एरिया में, जहाँ पर ऐसा मानना है लोगों का कि यहाँ पे 2:30 बजे के बाद एक यहाँ पे चुड़ैल घूमती है। तो आज मैं वही देखने आया हूँ और आपके लिए मैं यहाँ पे अकेले आया हूँ गाइस। तो चलिए देखते हैं गाइस, यहाँ पर ऐसी कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही है या नहीं। तो चलिए गाइस, और जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और हम लोग इतने रात में आपके लिए आते हैं, यहाँ पे मेहनत करते हैं। तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आते हैं, देखते हैं यहाँ पे कुछ है या नहीं है। वैसे लोकेशन बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड है। यहाँ पे आगे एक गांव है और वहाँ पे जो दिख रहा है आपको लाइट, वो यहाँ का कब्रिस्तान का एरिया है। तो हम कब्रिस्तान और गांव से बहुत ही ज़्यादा दूर आ चुके हैं। नेगेटिविटी तो फील हो रही है गाइज, मुझे नेगेटिविटी तो फील हो रही है, पर चलिए देखते हैं। वैसे मैंने जितने भी इक्विपमेंट्स हैं सब घर पे ही रख दिए हैं, जल्दी जल्दी में नहीं लाया मैंने। सो इन्वेस्टिगेशन मुझे ऐसे ही करना पड़ रहा है, क्योंकि गाइस यहाँ पे जंगली जानवरों का भी बहुत खतरा रहता है। कभी कुछ बोल नहीं सकते, कहीं से कुछ भी हो सकता है, कहीं सांप आ सकता है या कोई लेपर्ड्स वगैरह होते हैं, लायन शेर वगैरह भी होते हैं। जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में ही देखा था कि मैं गुजरात में गया हुआ था, तो वहाँ पे भी हमें शेर से सामना करना पड़ गया था, जिसकी फुल वीडियो तो मैंने अभी तक इस चैनल पे नहीं डाली हुई है, पर बहुत ही जल्दी वो भी डाल दूंगा मैं। गाइस वैसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, इक्विपमेंट्स भी नहीं है मेरे पास। तो चलिए नाइट कैमरा ऑन करते हैं। गाइस ऐसी तो कोई एक्टिविटी मुझे तो अभी तक शो नहीं हुई है, पर हाँ नेगेटिविटी मुझे फील हो रहा है। गाइस ये बहुत ही डरावना प्लेस है, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, और अकेला आया हूँ तो multiplied 10, अब क्या ही बताऊँ दोस्तों। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे बहुत सारी आत्माएं भटकती है, और यहाँ पे मतलब पहले भी बहुत से मर्डर वगैरह हुए हैं। तो यही सब चीज़ों से लोग यहाँ पे डरते हैं और आते नहीं हैं मोस्टली। गाइस यहाँ पे सांप भी देखना होगा। गाइस कुछ नज़र आ रहा है आपको ये कैमरे में? नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं दोस्तों। उस टाइम जंगल में तो हमें कुछ दिखा नहीं, पर उसके बाद घर पे आने के बाद जब हमने कैमरा ओपन किया तो हमें ये इंसिडेंट देखने को मिला। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे पास में ही शादी वगैरह होगी, तो शायद से यहीं पे क्रैकर्स वगैरह जला रहे हैं इन लोग। 2:30-2 बजे कौन क्रैकर्स लगाता है यार? अरे कैसे कैसे बकचोद लोग हैं अपने इंडिया में, दिमाग नाम की कोई चीज़ ही होती नहीं है इन लोगों को। यहाँ पे गांव सो रहा है और इन लोगों को अपने रुतबे की पड़ी हुई है। चलिए गाइस, वैसे तो मुझे कुछ लग नहीं रहा है यहाँ पे कुछ है, बस अपनी टीम के साथ इन्वेस्टिगेशन करूँगा। तो गाइस तब तक के लिए आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपका प्यार बढ़ाइए, और इन्वेस्टिगेशन तो मुझे लगता है यहीं पर रोकना होगा हमें। बहुत ही डरावनी प्लेस है गाइस, बहुत ही ज़्यादा डरावनी प्लेस है, इतनी ज़्यादा डरावनी प्लेस है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। पर अभी क्या करें, वो इन्वेस्टिगेशन तो करना ही होगा। चलो कोई बात नहीं गाइस, तो मैं यहाँ से निकलता हूँ, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, मुझे मोटिवेशन मिलते रहेगा और मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाते ही रहूँगा। चलो लव यू गाइस, टेक केयर।